फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, जिसका यूज आगे हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी है और इनके दोनों कॉलम्स को अपेंड करके मैं एक नया मैट्रिक्स ए को मैं बी बनाऊं, तो इसे ही हम ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर इसे डिफाइन अगर हम करें तो कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय अपेंडिंग कॉलम्स ऑफ टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मान लीजिए मेरे पास तीन इक्वेशंस है जो आपको यहाँ पे दिखते होंगे एक्स वाई जेड में, तो अगर मैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊं जिसे मैं ए कहता हूँ और सारे कॉन्स्टेंट्स का एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसे मैं बी कहता हूँ, तो फ्रेंड्स ए एंड बी को मैं कंबाइन करके एक नया मैट्रिक्स बना सकता हूँ जिसे मैं ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स कहूंगा। और इस ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स के रैंक के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है, या ये नो सॉल्यूशन में बिलोंग करता है। तो आगे आने वाली वीडियो में सबसे पहले हम इक्विलेन फॉर्म को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।